मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। और सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए हैं, हम लोग जा रहे हैं। हमारे इधर जो मेला लगा हुआ है ना, भोगाली मेला, तो उधर जा रहे हैं। तो सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ मैं, और आगे माँ भाई अनामिका सब गया है, और गमछा हमारा ज़रूरी है तो गमछा लेके निकली हूँ मैं। और आज थोड़ा अलग गेटअप में, आसामीज गेटअप में, तो सुबह सुबह नहा के अभी 7:30 बज गया है और इतना ठंड है। और सब लोग आगे गया है, देखिए सब लोग आगे हैं, मैं पीछे रह गई। तो फटाफट से जाते हैं। और उधर कल में एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में शायद देखा हुआ है आप लोग। तो फटाफट निकलते हैं और उधर जाके मिलते हैं। देखिए हमारा ये मंदिर है गांव का, हमारा जो मोहल्ला है ना, उस मोहल्ला का ये मंदिर है, हमारा जगन्नाथ मंदिर है। तो उसमें भी हमारा ये चलाया है लकड़ी। तो देखिए इसमें पहले हम लोग ये पूजा करेंगे, तो इसमें हमारा पहले पूजा चलेगा। हटा लो बेटा, तो ऐसे पूजा करना पड़ता है, अग्नि देवता को ऐसे प्रणाम करते हैं। उसके बाद जो हमारा पकवान बनाते हैं ना, वो पहले वो देते हैं अग्नि देवता को, तो उसके बाद प्रणाम करते हैं। मैं करती हूँ अभी, हलो तो अभी हम लोग चलते हैं उधर जहाँ हमारा ये भोगाली ये लगाया है, उधर चलिए। तो वैसे हम लोग पहुँच गए हैं, और मेरी माँ और माँ की एक मतलब जो कीर्तन करते हैं, वो टीम की एक आंटी ने ये किया है, मतलब उधर जगह सफा करके, तो और प्रसाद चढ़ाते हैं, मतलब जब आग जलाते हैं ना उससे पहले पहले, और जो लोरी बोलते हैं उससे पहले प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। और ये जो पूरा डेकोरेशन किया है ना, कम से कम ये हमारे गाँव की जो भाई वगैरह होता है ना, तो गाँव के लोग, मेरी भाई है, भाई की फ्रेंड, ऐसे गाँव के जो भैया लोग होता है वो लोग ये सब अरेंज किया है, बहुत ही अच्छे से ये अरेंज किया है वो लोग। और सुबह सुबह ये मेजी जलाते हैं, हम लोग मेजी जलाते बोलते हैं, जो ये बना ये वाला मेजी बोलते हैं, तो एक पहला घर बोलते हैं इसको, बोलते हैं मेजी। तो ये मेजी जलाने से पहले प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, और उसके बाद प्रणाम अग्नि देवता को प्रणाम करके तो ये मेजी जलाते हैं। और इसमें भी कुछ नियम होता है, वो नियम करके मतलब ये जलाना पड़ता है। और ये जो मेजी में लगाया है ना, वो धान जब काट के लाते हैं, अगर उसके बाद जो बचा हुआ रहता है ना, वो खैर उसको नारा भी बोलते हैं, उसी से ये मेजी बनाया हुआ है बेम्बो के साथ। और ये मतलब सब लोग जो जो पकवान घर में बनाते हैं, वो सब थोड़ा बहुत लेके आके अग्नि में डालते हैं, और उसके बाद खाने का रिवाज होता है। और ये मतलब जो खेती बाड़ी का ये मकर संक्रांति का, खेती बाड़ी का तो रिवाज होता है, तो पहले अग्नि देवता को ऐसे पूजा करके उसके बाद मतलब ये खाते हैं। गाँव के सब लोग इकट्ठा होकर ये रसम किया हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार मकर संक्रांति में गाँव में हूँ तो बहुत ही एंजॉय किया हो। तो हमारा ये रिवाज आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और बहुत दिन से मतलब जो जो लोग नहीं मिल रहे थे, बहुत दिनों के बाद मिला हुआ। और ये है प्रसाद, देखिए मूंग्स और नारियल, और इसमें चावल अदरक डाल के, और इसमें फल फ्रूट भी रहता है, तो ऐसे मतलब मेरे प्रसाद चढ़ाते हैं। तो और सब कुछ हो गया है, और हम लोग मतलब घर जाने के लिए रेडी भी हो। तो हम अभी चलते हैं घर, हमारा हो गया है पहला पूजी का काम, तो अभी हम घर चलते हैं। बाकी सब चला गया, माँ और मैं निकल रही हूँ अभी। और ये हमारा गांव का रिवाज है, जो बहुत अच्छे से मनाया हुआ है। और कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता देना। आई होप अच्छा ही लगा होगा मकर संक्रांति का।
हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है, हमारे इधर ये रिवाज है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।